विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला के मऊगंज क्षेत्र से, जहां सहारा बैंक में जमा पैसा वापस ना करे पर शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है। बताए दे कि मऊगंज थाना के मझियार गांव के रहने वाले नंद कुमार मिश्रा अलग अलग किस्तन में 5 लाख रुपया सहारा बैंक के मऊगंज शाखा में जमा किए रहे। जमा पैसा मैं ब्याज के साथ 2021 में खातेदार का वापस होकर रहा। पीड़ित तब से लगातार अपन जमा पैसा पावे के खातिर सहारा बैंक के चक्कर लगाए रहा, पर ओखा पैसा वापस नहीं मिला। फरियादी नंद किशोर मिश्रा पुलिस थाना मऊगंज में शिकायत दर्ज कराई सी, जे पर मऊगंज पुलिस धारा 420 और आईपीसी धारा 6 मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हित के संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत शाखा प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अपना पंचन का बताए दे कि मऊगंज में हजारन के संख्या में सहारा बैंक के जमाकर्ता आपन जमा पैसा पावे के खातिर बैंक के चक्कर लगाए रहे, जौन की अपने आप का ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खबर रीवा जिला से ही, जहाँ गुड़ थाना क्षेत्र के बाईपास में बीती रात बुलेरो और मोटरसाइकिल के जोरदार टक्कर भई। यह घटना के बाद आसपास के लोगन का जानकारी भय तब मौका में पहुंचे और दोनों घायलन का इलाज के खातिर अस्पताल पहुंचावा गया है, जहां संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरन के द्वारा दीपक का मरा हुआ घोषित कर दिन गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल शिखा केवट के इलाज चलत रहा है, जेखर इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना के जानकारी लगते परिवार में कोहराम मच गया। बतावा जात है कि दोनों रिश्ता के भाई बहनी आई। शिखा केवट भीठी के रहने वाली आए, जबकि ओखर ममेरा भाई दीपक कोष्टा के रहने वाला आए। बताई दे कि एक ही गाड़ी से दोनों लौटत रहे, तबे बोलेरो चालक लापरवाही से गाड़ी चलावत हुए गुढ़ बाईपास में टक्कर मार दी। आई सुनी थैन यह पूर्व घटना कल लई के संजय गांधी अस्पताल के CMO डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी का कही थी। कल रात्रि को गुढ़ थाने के समीप गुढ़ बाईपास पर एक मोटरसाइकिल और एक जीप बलेरो में टक्कर हुई थी, जिसमें घायल हुए थे एक पुरुष और एक महिला थी। पुरुष की तो यहाँ हमारे यहाँ मृत अवस्था में लाया गया था, मुझे लगता है संभवतः घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी उसकी। 25 वर्षीय युवक था और इसको रात को 8:30 के आसपास लाया गया हमारे यहाँ। और महिला जो थी वो बहुत गंभीर घायल थी, शिखा केवट नाम था उसका, और वो उसकी भी इलाज के दौरान चूँकि बहुत गंभीर थी तो बचा नहीं पाए और वो 11:30 उसकी भी मृत्यु हो गई है। ये जानकारी हमें नहीं है, पर ये दोनों भाई बहन ही बताए जाते हैं रिश्ते में और गुड़ के आसपास की घटना है। रीवा जिला के नगर परिषद नई गढ़ी के वार्ड क्रमांक 13 के बसोर बस्ती में 15 दिन से अज्ञात बीमारी के कारण 200 से अधिक सुअरन के मौत हो चुकी है। साथ है लगातार हो रही मौतन के कारण सुअर पालकन में हड़कंप मचा है। बस्ती के लोगों के द्वारा बतावा गया है कि कोनो अज्ञात बीमारी से सुअर मर रही हैं। बताई दें कि बसोर समाज द्वारा मुख्य नगर परिषद अधिकारी नई गढ़ी का सूचना दीन गई रही, जेके बाद CMO संजय सिंह द्वारा मरे सुअरन का हटावे के खुले मैदान में फिकवावा जालना है। बतावा गया है कि अभी तक माँ सुअर पालकन का लाखन रुपया के नुकसान हो गया है। आपका क्या नाम है? अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमारी है कि हम लोग सब घर के बस्ती बसोर समाज है, हमारा लोगों को जानवर सब मर चुके हैं। हम लोग जानवर को फड़का रहे हैं, हमारे लोग कोई सुनाई नहीं हो रही, ना डॉक्टर जाते हैं ना कोई जाते हैं। हम लोग जो है तो खाए खास मुस्ताज हो गए हैं। हमारे लोग का पूरा धन सब चला गया, हमारे लोगों को उतनी कमाई थी। हम लोग बिल्कुल यहाँ सब बेकार हो चुके, गरीब आदमी भटक रहे, हमारे लोगों कोई सुनाई यहाँ नहीं हो गया। कितने सुअर? सुअर कम से कम मरे हुई 200 के ऊपर। 200? हाँ, 15 ठेक हमारी अकेल के मर गई है। तो कितने लागत की होगी? 15 सुअर के 2 लाख की लागत थी हमारी। 2 लाख? तो आपने नगर परिषद में? नगर परिषद में हम लोग अर्जी दिए हैं हटवाने के लिए, नगर परिषद हटवा रहे हैं। डॉक्टर भी बुलाए थे, एक लोग डॉक्टर जी गए थे, बस जांच करके चले आए थे। कोई आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे? शासन प्रशासन मांग रहे कि हम लोग गरीब है, हमारा लोगों को मुआवजा दिया जाए। खबर रीवा जिला से है, जहां मोटरसाइकिल सवार लड़का पतंग के मांझा के चपेट में आएगा, जेके कारण ओखर गला कटिगा है। घटना में लड़का लहूलुहान हालत में सड़क में जाय गिरा, जेका स्थानीय लोगन के द्वारा इलाज के खातिर अस्पताल पहुंचावा गया है। अपना पंचन का बताई दी कि यह घटना समान थाना क्षेत्र के रतहरा फ्लाईओवर के आए, जहां मोहित सोधिया रहने वाला मनगवा
मोटरसाइकिल से घरे कई जात रहा, जैसे लड़का बस स्टैंड के फ्लाईओवर में पहुंचा तबे ओखर गला पतंग के माझा में फंसीगा और वह लहूलुहान हुई के सड़क में जाय के गिरा। घटना के बाद अफरा तफरी के माहौल निर्मित होगा। लड़का का स्थानीय लोगन के द्वारा इलाज के खातिर अस्पताल में भर्ती करावा गया है, जहां इलाज किया जा रहा है। सुनाई थे प्रत्यक्षदर्शी युवक के या पूर्व घटना का लेके का कहना है। न्यू बस स्टैंड फ्लाईओवर का जो मोदाबाद के लिए गति जाती है समान थाने तरफ, वहाँ पे दो बालक अपनी बाइक पे शायद निवास पे जा रहे थे। मैं अपने भंडारे कॉलोनी से वापस लौट रहा था, तभी इनके गले में चाइनीज माला आके फंस गया बहुत बुरी तरह से। पतंग का धागा था, कहीं से उड़ के आया था और गाड़ी इनकी दौड़ और फंसा हुई गाड़ी लेकर गिर भी गया। इनके इतना बुरा हाल हो गया गला कटने के बाद के दम दुहान थे पूरा, इनका ये स्थान पूरा कटा हुआ है, ये कटा हुआ है। उस स्थिति में इनको देख के अस्पताल आया हूँ, उसके बाद यहाँ पे प्राथमिकता दी गई, उसके बाद इनको नाक का गला भरा में एडमिट किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मासूम सोनिया, बजरंग दल में नगर के दायित्व। और ये जो घायल है इनका क्या नाम है? इनका नाम मोहित सोनिया करके है, मंदोर प्रॉपर निवासी है। खबर रीवा जिला के समान थाना क्षेत्र के उड़हट से ही, जहां एक ठे चोर के काली करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद भई। बताए दे कि बदमाश रिटायर्ड डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी के घर चोरी की नियत से घुसा रहा। चोर घर के समूहे के दरवाजा खोल के सीढ़ी से दूसरे मंजिल में पहुंचा। ए दौरान आहटपाई के घर के लोगन के नींद खुली और चोर का पकड़ ली, जैसे पूछताछ करके पुलिस के हवाले कई दिन का है। बतावा जात है कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। शनिवार का फूड पॉइजनिंग से 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जेमा बच्चन के और औरतन के संख्या ज्यादा ही। सब मेला में चाट फुल्की खाए रहे हैं, जेखा खाए के आधा से एक घंटा बाद सबके तबियत बिगड़े लाग, लोगन का चक्कर आवे लाग और उल्टी होए लाग। उन्हें कुछ लोग बेहोश हो के गिर गए या देख मेला में अफरा तफरी मच गए। बीमारियन का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन पहुंचावा गा, यहां अस्पताल में जगह कम होए पर 20 लोगन का रेफर कीन गा है। यह मामला रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खेड़ा के सोन नदी के लगे के आए। आई सुनीत है यह पूर्व मामला का लेके यत्नेश त्रिपाठी का कहीं नहीं। बाबू हर सब कल रात्रि को करीब 8:45 बजे संभागायुक्त महोदय का ऐसा निर्देश हमारे अधिकारियों के पास आया कि उन्होंने बताया कि जिले सीधी में रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत किसी जगह पर किसी संक्रांति के मेले में कोई फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को तकलीफ हुई है, वहाँ भर्ती हैं। तो आप अपनी तैयारी करें और एक टीम उन्होंने निर्देश दिया कि भेजें वहाँ, ताकि वो स्पॉट पर भी यदि कोई सीरियस हो तो उसको तत्काल राहत पहुँच सके। तो उनके निर्देश पाते ही हमारे जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टीम है वो एक्टिवेट हुई और हमने यहाँ से एक टीम रवाना की थी। मेडिसिन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में वो गए थे और रात में पहुँच गई थी टीम हमारी वहाँ। ऐसा बताया कि वहाँ 100 से के आसपास की संख्या में मरीज़ थे, ऐसा बताया है। और वहाँ से फिर लेकिन ऐसा किसी को नहीं पाया गया कि कोई बहुत गंभीर हो, हालांकि उनमें से कुछ मरीज़ों को तकलीफ़ ज़्यादा थी तो उनको यहाँ भेजा गया था। हमारे यहाँ कुल 6 मरीज़ आए थे जो सीधी से यहाँ रामपुर नैकिन से भेजे गए थे। उन 6 मरीज़ों में भी यहाँ उनका प्राथमिक उपचार वगैरह करके रात में मैनेज किया गया और वो सभी अभी ठीक हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से ज़्यादातर उनमें से जा भी चुके हैं वापस अपने घर की ओर।
तीन जिसमें बच्चे थे, एक नाबालिग बच्ची थी और दो एडल्ट थे, ऐसा है। तकरीबन अगर देखा जाए तो आंकड़ा कितना रहा होगा ऐसे लोग जो इसका शिकार था? ये तो संख्या आपको रामपुर नायकिन से ही एग्जैक्टली पता लग पाएगी कि उनकी कुल संख्या कितनी थी। हमें जानकारी मिली थी करीब 100 सैकड़ा भर लोग वहाँ ग्रसित हुए। सतना माँ रामानुज वैष्णव मंडल वेंकटेश मंदिर माँ सब भक्तन और संगठन के द्वारा विशाल कार्यक्रम कीनगा, जेमा ज्यादा से ज्यादा लोग रामानुज वैष्णव संप्रदाय के एकत्रित भे उहीन विशाल भंडारा के कार्यक्रम कीनगा, जेमा सब कार्यकर्ता और सदस्य पत्रकार मौजूद रहे। आज खातिर इतना ही, बघेली मां विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।